हेलो एवरीवन, होप यू आर ऑल डूइंग वेल। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अ थिंग ऑफ ब्यूटी हमारी पोएम का नाम है, जो कि क्लास 12th इंग्लिश फ्लेमिंगो बुक से हमने ली है। तो आज हम इस पोएम की थीम को देखेंगे कि आखिर राइटर हमसे कहना क्या चाहते हैं इस पोएम के थ्रू। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है, राइट द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी, कि पोएम की सेंट्रल थीम बताइए आप अ थिंग ऑफ ब्यूटी की। तो आंसर होगा, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ पैसेज फ्रॉम जॉन कीट्स पोएम एंडेमियन, अ पोएटिक रोमांस विच इज़ बेस्ड ऑन अ ग्रीक लीजेंड। कि ये जो कहानी, ये जो पोएम हमने पढ़ी है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, ये एक्चुअली में एक पैसेज है जो कि जॉन कीट्स की पोएम एंडेमियन अ पोएटिक रोमांस से ली गई है, और ये ग्रीक की पौराणिक कथाओं के ऊपर आधारित है। ग्रीक में एक पौराणिक कथा है एंडेमियन के नाम से। ये एक चरवाहा था जो कि चांद की देवी को बड़ा ही पसंद करता था, और उसकी तलाश में इधर उधर घूमता है, भटकता है और प्रकृति के बीच में अपने समय को बिताता है। तो ये वहीं से लिया गया। इन दिस पोएम जॉन कीट्स डिस्कसस ब्यूटी, लव एंड यूथ। इस पोएम में जॉन कीट्स ने जो डिस्कस किया हम लोगों के साथ, वो सुंदरता पर, प्यार पर और यौवन के ऊपर उन्होंने इस पोएम में हमारे साथ डिस्कशन किया। हिज एटीट्यूड टुवर्ड्स ब्यूटी इन द पोएम सीम्स टू बी वेरी वाइट एंड डीप। और उनका जो एटीट्यूड रहा ब्यूटी की तरफ इस पोएम में, जो हमें देखने को मिला, वो बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमत्ता से भरा हुआ और बहुत ही गहरा उनका एटीट्यूड रहा। बड़ी अच्छी समझ है उन्हें भगवान के द्वारा दी गई सुंदर सुंदर प्रकृति प्रदत्त चीज़ों के बारे में। ही प्लीज दैट ब्यूटी इज़ अ डीप हीलिंग पावर। उनका ये मानना है कि जो सुंदरता है उसमें बहुत बड़ी हीलिंग पावर है, हुज इन्फ्लुएंस नेवर एंड्स, जिसका कि प्रभाव कभी भी ख़त्म नहीं होता। एंड ब्यूटी ऑलवेज एग्जिस्ट इन अवर लाइफ, और जो ब्यूटी है हमेशा से ही हमारी लाइफ में उपस्थित रहती है, उसकी प्रेजेंस रहती है, इसका प्रभाव कभी भी हमारी लाइफ से ख़त्म नहीं होता। इट गिव्स अस अ लॉट ऑफ प्लेजर फॉर एवर, ये हमें हमेशा के लिए बहुत बड़ी बड़ी खुशियों को दे देती है। ब्यूटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर लिव्स बिकॉज इट हेल्प्स अस टू स्टे हैप्पी एंड जॉयफुल इन दिस सैड मंडेन वर्ल्ड्स। सुंदरता जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए, क्योंकि ये हमें खुश रखता है, प्रसन्न रखता है इस निराशा भरे वर्ल्ड में, जहाँ की दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा उदासी है, बहुत ज़्यादा निराशा है। तो ऐसे में जो सुंदरता है ये हमें इस दुनिया के अंदर जीने के लिए खुशी को प्रदान करती है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ जॉय। जो थिंग ऑफ ब्यूटी है ये एक कॉन्स्टेंट सोर्स है जो कि जॉय का, खुशियों का, जो कि कभी ख़त्म नहीं होता। विच इज़ गिवन टू मैन बाय गॉड, जो कि मनुष्य को मिला है भगवान के द्वारा। भगवान ने मनुष्य को ये थिंग, जो ब्यूटी की सुंदर सुंदर चीज़ें दी हैं, ये खुशियों का एक कॉन्स्टेंट सोर्स है। देयर इज़ ब्यूटी एवरीवेयर, ब्यूटी जो है वो हर एक जगह है, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ सुंदरता नहीं। ब्यूटी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया के अंदर जो ब्यूटी है वो बड़ा ही एक महत्वपूर्ण जगह रखती है। इट हैज़ ग्रेट पावर विच रिमूव्स नेगेटिव थिंग्स, ये एक बड़ी ही ग्रेट पावर रखती है जो कि नेगेटिव थिंग्स को रिमूव करती है एंड ब्रिंग्स पॉजिटिव थॉट्स इन आवर लाइफ, और उसके साथ साथ ये पॉजिटिव थॉट्स को हमारी लाइफ में लेकर आती है। इट कैन बी एनी ऑब्जेक्ट, नेचर, स्टोरीज और इवन आवर फोर फादर्स नोबल डीड्स, ये कुछ भी हो सकती है। ये कोई सुंदरता की चीज़ हो सकती है, प्रकृति की कोई चीज़ हो सकती है, सुंदर सुंदर कहानियाँ हो सकती हैं, और यहाँ तक कि कोई ऐसे काम भी हो सकते हैं जो कि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए किए। तो जो सुंदरता की जो चीज़ें हैं, जो किसी भी रूप में हो सकती हैं, ये एक बहुत ही ग्रेट पावर रखती हैं, जो हमारी चीज़ों से, नेगेटिव चीज़ों को बाहर निकाल कर फेंकती हैं और हमारी जीवन के प्रति हमारा जो नज़रिया है वो पॉजिटिव रखती है, और हम इसी ब्यूटीफुल चीज़ों की वजह से अपने जीवन को जीने की इच्छा रख सकते हैं। और हमारे पूर्वजों द्वारा किए गए अच्छे अच्छे काम भी इसी अ थिंग ऑफ ब्यूटी के अंदर ही शामिल होते हैं। तो इस प्रकार जो थिंग ऑफ ब्यूटी है ये बहुत ही बड़ी हीलिंग पावर है। ऑल दीज थिंग्स वर्क टूवर्ड्स गुड चेंज फॉर अस, ये सभी की सभी जो चीज़ें हैं ये एक अच्छे बदलाव की तरफ हमारे लिए काम करती हैं। दैट्स वाई वी कैन से दैट ब्यूटी हैज़ अ वेरी गुड हीलिंग पावर, और इसी वजह से हम कह सकते हैं कि जो सुंदरता है उसके पास एक बहुत अच्छी हीलिंग पावर है। एंड दिस इज़ द मेन थीम ऑफ दिस पोएम, और यही इस पोएम की मेन थीम भी है। इस
जो पोयम की जो मेन थीम है वो बेसिकली यही है कि जो सुंदरता है वो हमारे जीवन में अच्छे बदलाव लेकर आती है, एक बड़ी हीलिंग पावर रखती है, हमारी ज़िंदगी से नेगेटिव चीज़ों को बाहर निकालती है, पॉजिटिव थॉट्स हमारे अंदर क्रिएट करती है, और ये सुंदर सुंदर चीज़ें ही हैं जो हमें जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है, और ये पूरी दुनिया ही जो है इसी सुंदरता पर टिकी है, प्रकृति चीज़ों पर टिकी है जो भगवान ने हमें दी, सूरज चांद तारे सितारे इसी के इर्द गिर्द ये धरती घूमती है। इस पोयम की जो मेन थीम है वो यही है। तो स्टूडेंट उम्मीद है ये आंसर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए, ऑल पर हिट कीजिए ताकि आने वाला हर वैल्यूबल वीडियो आप तक पहुंचे। मिलते हैं हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।